वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपना फेशियल कैसे करती हूँ। नाउ हम सब क्वारंटीन में हैं और इस वक्त पार्लर जाना भी सेफ नहीं है, सो हमें अपना फेशियल घर पे ही करना होगा। सो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। नाउ टू बी ऑनेस्ट, मैं अपना फेशियल घर पे ही करती हूँ और मैं आज तक अभी पार्लर नहीं गई टू गेट माई क्लीन अप डन और टू गेट माई फेशियल डन। सो मैं फेशियल घर पे ही करती हूँ एंड ट्रस्ट मी गाइज, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। नाउ आज मैंने देखा है कि मुझे यहाँ पे नोज़ पे बहुत ज़्यादा ब्लैकहेड्स हो गए हैं। नाउ यूजुअली मुझे ब्लैकहेड्स की प्रॉब्लम नहीं होती है, बट आई कैन सी सम ऑफ देम, सो वही मुझे निकालने हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो ये वीडियो में देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। बट उसके पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को भी हिट करना मत भूलिएगा ताकि आपको वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन मिले। नाउ विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल राइट गाइज, सो फेशियल का फर्स्ट स्टेप होता है फेस क्लेंजिंग। नाउ आप यहाँ पे मेरे फेस पे देख सकते हो मेरे फेस पे मेकअप है, तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं मेकअप को रिमूव करूँगी और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाओ का कोकोनट माइसेला वाटर। नाउ मैं ये वाले प्रोडक्ट को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ एंड आई रियली लव दिस प्रोडक्ट। सो मैं स्प्रे कर लूँगी मेरे मिनीसो के टॉवल में और मैं फेस पे जो भी मेकअप होगा मैं उसको रिमूव कर दूँगी। सो मेकअप रिमूव हो गया है और अब बारी आती है फेस वॉश की। तो आज मैं यूज़ करने वाली हूँ ये पॉन्ड्स का फेस वॉश। सो ये डीप क्लीन डिटॉक्स विद एक्टिवेटेड चारकोल वाला फेस वॉश है और ये आपके फेस को डीपली क्लीन करता है। नाउ आई रियली लव दिस फेस वॉश क्योंकि जब भी मैं हैवी मेकअप वेयर करती हूँ तो मुझे ये वाला फेस वॉश यूज़ करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आपके फेस को ये डीपली क्लीन करता है और इसमें चारकोल है। सो मैं अपने ड्राई फेस पे इस तरीके से अप्लाई करूँगी फेस वॉश को एंड देन मैं हल्का सा पानी लेती हूँ और अगेन अपने फेस को 60 सेकेंड्स तक रब करती हूँ। सो फेस वॉश हो गया है और अब मैं अपने फेस को इस तरीके से पैट ड्राई कर लूँगी एंड यू गाइस कैन क्लियरली सी कि ये फेस वॉश ने मेरे फेस से सारा का सारा मेकअप रिमूव कर दिया है। नाउ ये वाला जो फेस वॉश है ये क्ले बेस्ड फेस वॉश है और ये बहुत अच्छा है ऑयली स्किन वालों के लिए, बट अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ये आपकी स्किन को और ज़्यादा ड्राई करेगी। बट जब भी मैं हैवी मेकअप वेयर करती हूँ या फिर जब भी मुझे डीप क्लीन की ज़रूरत होती है तो मैं ये वाला फेस वॉश ट्राई करती हूँ। नाउ अब बारी आती है स्क्रब की, तो आज मैं यूज़ करने वाली हूँ ये मामा अर्थ का कोको फेस स्क्रब। ना मैं ये वाला स्क्रब इसीलिए यूज़ कर रही हूँ आज क्योंकि ये स्क्रब बहुत ही ज़्यादा जेंटल है और हमने अभी अभी एक चारकोल वाला फेस वॉश यूज़ किया है जो कि बहुत ज़्यादा ड्राइंग है। और अगर मैं बात करूँ ये वाली स्क्रब की तो ये बिल्कुल भी आपके फेस को ड्राई नहीं करता है और ये बेस्ट है ड्राई स्किन वालों के लिए। सो मैं वही करूँगी, मैं अपने नोज़ को अच्छी तरीके से स्क्रब कर लूँगी एंड दिस स्मेल सो गुड यू गाइस, बहुत ब्यूटीफुल स्मेल करता है ये। और अगर इसका जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही ज़्यादा माइल्ड एंड वेल राउंडेड पार्टिकल्स है तो ये आपकी स्किन को हार्म भी नहीं करती। तो मैं अच्छे से अपने फेस को 4 to 5 मिनट तक स्क्रब कर लूँगी। ना मैं अपने फेस को पैट ड्राई कर लूँगी और ये स्क्रब ने मेरे फेस को बिल्कुल भी ड्राई नहीं किया है एंड माई लिप्स फील सो गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये स्क्रब बहुत ज़्यादा माइल्ड एंड जेंटल है। नाउ सी माई फेस इज क्विकी क्लीन नाउ। और एक्चुअली मैं शेव करती हूँ बट मैंने आज शेव नहीं किया बिकॉज मुझे मेरे फेस पे इतनी ज़्यादा फेशियल हेयर की प्रॉब्लम नहीं दिख रही है आज, सो मैंने आज शेव नहीं किया है। सो दिस इज़ हाउ माई फेस लुक्स लाइक और मुझे मेरा फेस बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ लग रहा है। और अब बारी आती है स्टीमिंग की। सो मेरे पास वेपराइज़र है तो मैं उसी से ही स्टीम ले लेती हूँ, बट अगर आपके पास नहीं है तो आप बर्तन में पानी गर्म करके आप स्टीम ले सकते हो। ना स्टीम क्या करता है, आपके जो पोर्स है उससे ओपन करता है और आपके पोर्स में जो भी ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स रहेंगे आप उससे इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। सो मुझे नोज़ के अराउंड ब्लैक हेड्स हो गए हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा फिलहाल, बट मुझे टेक्सचर फील हो रहा है और मुझे वाइट हेड्स भी है और मुझे स्पेशली यहाँ चिन पे बहुत ज़्यादा वाइट हेड्स है। सो वही मैं करने वाली हूँ। सो मैं स्टीम लूँगी, 5 to 10 मिनट्स तक मैं स्टीम लूँगी एंड देन हम ब्लैक हेड्स रिमूवल का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे।
ओके गाइस, सो मैंने स्टीम ले ली है एज यू गाइस कैन सी। और अब बारी आती है ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड एक्सट्रैक्ट करने की। सो यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरीके का टूल है। सो मैं ये वाला पोर्शन, ये वाला पार्ट यूज़ करूँगी। और मैं क्या करूँगी, मैं जेंटली मेरे नोज की यहाँ पे इस तरीके से स्क्रैच करूँगी। नाउ बी वेरी जेंटल वाइल डूइंग दिस, क्योंकि अगर आप इसे फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं अप्लाई करना है, वरना यू नो मार्क्स आ जाएंगे और बहुत ज़्यादा हर्ट होगा आपको। सो मैं अपने जो भी ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स रहेंगे मैं उसको एक्सट्रैक्ट करूँगी। ना आपको कोई भी कॉटन लेना है और सी ये है डॉट। ओके गाइस, सो मैंने अपने नोज से सारे जो भी वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स है वो मैंने निकाल लिए है, और मेरे चिन से भी निकाल लिए, और यहाँ पे मुझे रेडनेस हो गई है। बट डोंट वरी, ये नॉर्मल है। और अब मैं यूज़ करूँगी फेस मास्क। तो उसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये प्रोलेक्सर का फेस मास्क। नाउ मैं ये इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे फेस को डीपली क्लीन करता है और मुझे फ़िलहाल उसकी ज़रूरत है। तो मुझे अभी क्ले मास्क मैं इसलिए भी अप्लाई करूँ क्योंकि यहाँ पे ये जो पिंपल है तो क्ले मास्क आपके पिंपल को सप्रेस भी कर देता है। सो मैं अपने फिंगर की हेल्प से ही मैं अप्लाई कर दूँगी। और अभी अभी आपने ब्लैक हेड्स एक्सट्रैक्ट किए हैं, सो यू नो अगर आपको ब्लैक हेड्स जब आप एक्सट्रैक्ट करते हो तो उसके ऊपर अगर आप क्ले मास्क अप्लाई नहीं करना चाहते हो तो इट्स टोटली अप टू यू गाइस। क्योंकि कभी कभी कुछ कुछ लोगों का वो जो एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। सो जब भी आप मास्क अप्लाई करते हो तो उस एरिया में जलन होती है, बट मेरा वो एरिया सेंसिटिव नहीं है। सो मैं अप्लाई करूँगी, और मैं इसलिए भी अप्लाई करूँ क्योंकि वो वाला जो एरिया होता है वहाँ पे हमारे जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो गए होते हैं। सो वो पोर्स को क्लोज करना भी ज़रूरी है, और क्ले मास्क बहुत ज़्यादा हेल्प करता है पोर्स को श्रिंक करने में। ओके गाइस, सो मास्क अप्लाई हो गया है और मास्क को ड्राई होने में 10 to 15 मिनट्स लगेगा। तो तब तक मैं ये लिप बाम अप्लाई कर लूँगी। सो ये है बायोटीक का बायो फ्रूट लिप बाम। सो मैं क्या करती हूँ, मैं इसका थिक लेयर अप्लाई कर देती हूँ ताकि जो मेरे लिप्स है वो मॉइस्चराइज रहे। नाउ हम क्या करते हैं, हम अपने फेस पे मास्क लगा देते हैं और हम अपने लिप्स को स्क्रब नहीं करते हैं, उस पर लिप्स लिप ऑयल या फिर लिप बाम अप्लाई नहीं करते, तो उससे हमारे लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई एंड चैप्ड हो जाते हैं। सो मैं लिप बाम अप्लाई कर लूँगी। या सो लिप बाम इज़ ऑन नाउ। अब मैं वेट करूँगी 10 to 15 मिनट्स का, तब तक ये मास्क एकदम से अच्छे से ड्राई हो जाएगा एंड देन हम इसे वॉश कर देंगे। नाउ मेरा जो फेस है वो कम्प्लीटली ड्राई हो गया है, फेस मास्क अच्छे से ड्राई हो गया है। एंड आई एम नॉट एबल टू स्पीक नाउ, इसलिए मैंने आप लोग को बोला कि आपको क्ले फेस मास्क हमेशा अपवर्ड मोशन में लगाना चाहिए ताकि आपकी ये जो स्किन है वो अच्छे से लिफ्टेड लगे। ओके सो मैं अपने फेस को वॉश करके आती हूँ अभी। ओके गाइस, सो फेस मास्क को मैंने वॉश कर लिया है और अब बारी आती है टोनर की। तो यहाँ पे मैं ये वादी हर्बल्स का टोनर यूज़ कर रही हूँ, ये एलोवेरा एंड क्यूकुम्बर मिस्ट है ना। ये ख़त्म हो गया है ऑलमोस्ट, सिर्फ थोड़ा सा ही बचा है, और इसे मैंने फ्रिज में रखा था ताकि अगर आप ठंडा टोनर लगाओगे तो आपका जो पोर्स है वो श्रिंक हो जाएगा, और हमने स्टीम भी लिया था तो आपके पोर्स जो है वो क्लोज हो जाएंगे। सो अब बारी आती है फेशियल मसाज की। तो फेशियल मसाज के लिए मैं यूज़ करूँगी बायो ऑर्गेनिक का एलोवेरा जेल। सो मैंने इसे फ्रिज में रखा था और इसकी स्मेल मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैं क्या करूँगी, मैं एक जेनरस अमाउंट लूँगी, मैं इसे अपने फिंगर पे लूँगी, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी सैंडलवुड ऑयल। नाउ ये स्टेप एक्चुअली ऑप्शनल है, अगर आपको ऑयल ऐड नहीं करना है तो आप मत ऐड कीजिए, बट मुझे इसमें सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बट ये बॉटल खुल नहीं रही है ना। इसमें मैं ऐड करूँगी 2 से 3 ड्रॉप सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल का, और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और अब मैं इसे अपने फेस पे मसाज करूँगी। नाउ मसाज से क्या होता है, आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो इम्प्रूव होता है, और हमने ऑलरेडी स्टीम लिया था तो आपके जो पोर्स होते हैं वो ओपन होते हैं। सो उससे जब आप मसाज करोगे एलोवेरा जेल से तो एलोवेरा जेल की गुडनेस आपके फेस में आ जाएगी। सो आपको
अपवर्ड मोशन में मसाज करना है और अपने आई के अराउंड भी आपको मसाज करना है। आप ये वाली मसाजिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हो अपने चीक्स के लिए, अपने फोरहेड मसाज के लिए ये वाली टेक्निक यूज़ कर सकते हो। अपने आई के अराउंड मसाज के लिए आपको इस तरीके से यूज़ करना है टेक्निक, और आपको बहुत ही ज़्यादा हल्के हाथों से मसाज करना है। आपकी रिंग फिंगर यूज़ करनी है आपके आई के अराउंड, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जेंटल होती है। नाउ अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ये स्पून जो है मैंने ये फ्रीज़र में रखी थी, और ओवरनाइट आपको रखना है और आपको आपके आई के अराउंड इस तरीके से मसाज करना है। इससे क्या होगा, आपको पफिनेस की जो प्रॉब्लम है वो आपको दूर होगी और आपके आई के अराउंड बहुत अच्छा कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, एंड एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है। सो अगर आपके पास डर्मा रोलर वगैरह नहीं है तो आप ये वाला टेक्निक यूज़ कर सकते हो। ओके गाइस, सो ये जो एलोवेरा जेल है ये बहुत जैसे मेरे फेस में एब्जॉर्ब हो गया है, एंड यू गाइस कैन क्लियरली सी द ग्लो। बिल्कुल ही मुझे टैकी नहीं लग रहा है और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ग्लो। सो अब बारी आती है अंडर आई क्रीम की, तो यहाँ पे मेरे पास है ये वोट्रे की आई क्रीम, सो मैं ये आई क्रीम यूज़ करने वाली हूँ। नाउ अगर आप चाहो तो आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो आपके अंडर आई पे, बट मैं ये आई क्रीम अप्लाई कर दूंगी। और मैंने ये जो जेल है जिससे मैंने मसाज किया था मैंने उसको रिमूव नहीं किया है, मैंने उसको ऐसे ही रखा है, और उसी से ही मेरी स्किन में ये रेडियंट सा ग्लो आ गया है। सो मैं अच्छे से अंडर आई क्रीम अप्लाई कर दूंगी और मसाज कर दूंगी। सो दिस इज़ द करेक्ट वे ऑफ अप्लाइंग योर अंडर आई क्रीम। आपको इस तरीके से अप्लाई करना होता है और इस तरीके से मसाज करना होता है, और आपकी अंडर आई क्रीम अच्छे से एब्जॉर्ब हो जानी चाहिए। ओके सो अब आई आती है सीरम की। वैसे ऑनेस्टली मुझे आज सीरम लगाने का मन नहीं कर रहा है बिकॉज माई स्किन फील्स सो ग्रेडियंट, सो बट फिर भी मैं सीरम अप्लाई कर दूंगी। सो आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ ये मामा अर्थ का स्किन करेक्ट सीरम। नाउ ये मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, मैं ऐसे अभी तक टेस्ट कर रही हूँ, सो मुझे नहीं पता कि कैसा वर्क करेगा आपके एक्ने वगैरह पे। और ये जो सीरम है ये आपको हफ्ते में 2 बार अप्लाई करना होता है आपके फेस पे, ये रोज़ अप्लाई करने वाला सीरम नहीं है। सो मैं अच्छे से मसाज कर दूंगी। सो सीरम अप्लाई हो गया है और सीरम अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो गया है मेरे स्किन में। माय स्किन फील्स सो गुड यू गाइस, यू कैन क्लियरली सी द ग्लो एंड यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस। मेरे फेस पे जो टेक्सचर था, मेरे यहाँ स्पेशली यहाँ पे नोज पे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स थे, सो वो सारे क्लीन हो गए हैं और आप यहाँ पे देख सकते हो। वैसे एक्चुअली मुझे थोड़ी बहुत रेडनेस है अभी भी, बट यू नो ये रेडनेस काम हो जाएगी। और अब बारी आती है फेस क्रीम की, तो एक्चुअली ये स्टेप ऑप्शनल है क्योंकि हमने एलोवेरा जेल अप्लाई किया है तो आपकी स्किन ऑलरेडी हाइड्रेटेड हो जाएगी, बट स्टिल मेरी जो स्किन है वो नॉर्मल टू ड्राई है तो मैं फेस क्रीम अप्लाई करूँगी। तो फेस क्रीम के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही वाओ की एलोवेरा मल्टी वाइटामिन फेस क्रीम। सो मैं इसे काफ़ी टाइम के बाद यूज़ कर रही हूँ एक्चुअली, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, सो मैं इसे भूल गई थी। मैं ये फेस क्रीम अप्लाई कर लूँगी। नाउ ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है आपके फेस पे। सो फेस क्रीम मैंने अप्लाई कर ली है एंड एक्चुअली माई स्किन लुक सो हेल्दी एंड सो ग्लोई। और अब है लास्ट स्टेप की बारी जो कि होने वाला है लिप बाम। सो यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ ये वादी हर्बल्स का लिप बाम, जिस माई फेवरेट लिप बाम और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। सो मैं इसे अपने लिप्स पे अप्लाई कर दूंगी, एंड या दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट, दिस इज हाउ माई स्किन लुक्स लाइक। एंड या दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई रियली होप आज का जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को भी पक्का हिट कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन मिले। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर एंड बी हैप्पी। बाय।